हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएफटी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे ओवल इनविंसिबल वर्सेस साउदर्न ब्रेव वेमेंस के बीच में जो मैच होने वाला है, काफ़ी क्वालिटी मैच होगा बिकॉज दोनों ही चैंपियंस टीम है। तो शुरू करते हैं गाइस प्रीव्यू को, काफ़ी सारी वैल्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बात करें गाइस टाइमिंग की तो 7 बजे मैच होगा, 6:30 पे टॉस हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वेन्यू गाइस इसका रहेगा कैनिंगटन ओवल लंदन, जहाँ पर पहला मैच हुआ था इस सीरीज़ का। गाइस वेन्यू की बात करें तो जो पिच जनरल पिच रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर जो बैटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है, और जो भी टॉस जीतेगी टीम वो चाहेगी कि वो पहले बॉलिंग करे, और ऐसा ही कुछ हुआ। लास्ट मैच देखिए, ओवल इनविंसिबल यही टीम सेम टॉस जीती थी, बॉलिंग चूज़ की थी। जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही थी उसने 143 का टारगेट दिया था 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं चेजिंग करते हुए ओवल इनविंसिबल का सिर्फ 1 विकेट गिरा था और यहाँ पर अच्छी खासी विन उन्होंने हासिल की थी। हमारी कैप्टन थी वाइस कैप्टन थी लॉरेन विनफील्ड हिल, 75 रन्स उन्होंने किए थे, सुजी बेट्स 40 करीब करके गई थी, तो आसानी से चेज़ हो गया था। उसके बाद एलिस कैप्सी ने 20-25 रन बना दिए थे। तो उस मैच में गाइस हमें क्या देखने को मिला था, इस वेन्यू पे पहली बारी में 3 विकेट मिले थे पेसर्स को, राइट आर्म ऑब्रिक्स मिना को 1 विकेट मिला था और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 विकेट मिला था, वहीं दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट मिला था राइट आर्म फास्ट मीडियम को। दोनों ही टीम गाइस जीत के आ रही हैं, ठीक है, पहला मैच अपना। बात करें गाइस कुछ फैक्ट्स की, तो जैसा मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, साउदर्न ब्रेव की गाइस जो टीम है लास्ट ईयर 8 में से 7 मैच जीती थी और जो फाइनल हुआ था उसमें ओवल इनविंसिबल से ही ये टीम हार गई थी। अदरवाइज आप बाकी किसी भी टीम का रेशियो उठा के देखो लास्ट मैच का, तो सब ने 8 मैच खेले हैं, 4-3-2 ऐसे मैच जीते हैं 8 में से, लेकिन जो साउदर्न ब्रेव की टीम थी 8 में से 7 जीती थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट थी कि फाइनल ओवल इनविंसिबल से हार गए थे। बात करते हैं स्क्वाड की, तो यहाँ से आप कंप्लीट स्क्वाड देख लेना, हर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है। यहाँ से गाइस साउदर्न ब्रेव का कंप्लीट स्क्वाड देख सकते हो। एक चेंज गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट मैच में भी मैं इंतज़ार कर रहा था तैश फेरेंट को यहाँ से ये लोग खिलाएं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट पेसर है, अच्छी खासी बॉलर है, क्वालिटी बॉलर है, अगर ये खेलती तो मेरी वाइस कैप्टन फिर यही होती और यहाँ से लॉरेंट विनफील्ड हिल को मैं उस वाले मैच में कर देता, लेकिन वही बात है कि तैश फेरेंट को नहीं खिलाया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज के मैच में तैश फेरेंट को खिलाया जाए। बात करते हैं इस प्लेइंग 11 की, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्लेइंग 11 ओवल इनविंसिबल का। विनफील्ड ओपन करती है सुजी बेट्स के साथ, एलिस कैप्सी, डेनवेन नियरिक, मैडी विलर्स, अच्छा खासा बैटिंग ऑर्डर है, प्लस बॉलिंग भी इनकी काफ़ी डिसेंट है। बात करें साउदर्न ब्रेव की, तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, स्मृति मंदाना, डेनी वेट, सोफिया डंकली, माइया बाउचर सब अच्छे खासे हीटर्स हैं। माया बाउचर लास्ट 2 मैच से अपने 0 पे जा रही हैं बिना किसी रन बनाए, तो हो सकता है आज के मैच में अच्छा कर जाएं, अदरवाइज़ इनका बॉलिंग अटैक काफ़ी शानदार है, अमांडा जीट, वेलिंगटन, शुभ शोल, कार्ला रूड, लॉरेन बेल, ठीक है, यहाँ से फ्रेया कैम भी अच्छी खासी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, विकेट टेकर हैं, तो दोनों ही टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं गाइस इस वेन्यू के ऊपर, तो आप देखिए यहाँ से मरीजाना कब ने गाइस खेलते हैं अगर, तो यहाँ से देखो क्या किया है, 37 किया, फिर उसी मैच में 3 विकेट भी निकाले दूसरी पारी में, फिर 23 किया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिए, फिर यहाँ से 38 किया। तो अगर कप खेलती है तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है मरीजाना कप आज के मैच में खेलेंगी। बात करें एलिस कैप्सी की, पहली पारी में 26 रन किए इस वेन्यू पे और 1 विकेट निकाला पहली ही पारी पर। बात करें तैश फेरेंट की, तो इस वेन्यू के ऊपर देखो पहली पारी में 4 विकेट हैं और 3 विकेट हैं, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ये खेलती तो लास्ट मैच में ही मेरी वाइस कैप्टन होती या कैप्टन होती। जॉर्जी एडम्स 37 किया इस वेन्यू के ऊपर, ग्रेस गिब्स ने गाइस इस वेन्यू के ऊपर, सॉरी यहाँ से ग्रेस गिब्स ने गाइस इस वेन्यू के ऊपर 21 रन किया है, डेनवेन नियरिक ने इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी में बैटिंग करते हुए 56 रन किए हुए हैं। ये था गाइस कुछ बैटिंग से परफॉर्मेंस प्लेयर्स का इस वेन्यू के ऊपर। बाकी गाइस लास्ट मैच के स्कोर कार्ड की तरफ एक बार हम नज़र मार लेते हैं, यहाँ से इस वेन्यू पर ओवल्स की टीम ने क्या किया था। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि ओवल की टीम है जो टॉस जीती थी उन्होंने बॉलिंग चूज़ की थी, और जनरल पिच रिपोर्ट भी यही कहती है कि टॉस जीतो बॉलिंग करो, उसके बाद आप चेज़ आराम से यहाँ पे कर लोगे, पहले कोशिश करो कि कम से कम टारगेट दो, ठीक है। तो यहाँ से रियाना मैकडोनल्ड गए, ये गाइस एक डिफरेंशियल पिक रही थी उस मैच में, इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, ठीक है, यहाँ से पेसर हैं ये भी। यहाँ से एलिस कैप्सी ने 1 विकेट निकाला था सिर्फ 5 पोले कर आके, ये एक अच्छी बात है, अगर कैप्सी को और मौका मिलता है तो और अच्छा कर सकती हैं। शबनम इस्माइल गाइस इनको किसी भी हालत में अपनी टीम से ड्रॉप करिएगा मत, जो स्पीड इनके पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। यहाँ से गाइस सोफिया स्मॉल ने 1 विकेट निकाला था, मैडी विलियर्स भी गाइस बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। डेन वेन नियरिक ने 15 रन किए थे, डेन गाइस इतनी ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस, हैदर नाइट
ऑड एंड मैनियरिंग दोनों ही इतनी ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है। हाँ निकालती हैं विकेट, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं है, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली विकेट नहीं निकालती हैं जितनी अच्छी ये लोग बैटिंग कर लेती हैं। बैटिंग की लेजेंड्स है दोनों, नो डाउट। एवा ग्रीन ने गाइस यहाँ से 10 बॉल डाली थी। तो ये था गाइस इनका बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस। बात करें गाइस बैटिंग से, तो आप खुद देख सकते हो 74 नॉट आउट रही थी। विनफील्ड हिल हमारी वाइस कैप्टन थी। सुजी बेट्स ने 46 किया था, कैप्सी ने 25 किया था। यहाँ से गाइस कोई विकेट नहीं ले पाया था। जेनिगन को एक विकेट मिले थे, वो अपने लिए मैटर नहीं करता है। बात करते हैं गाइस यहाँ से सदर्न ब्रीफ के लास्ट मैच की। तो यहाँ से गाइस आप देखो सदर्न ब्रीफ की टीम है, उसने भी पहले बैटिंग सॉरी बॉलिंग की थी। और यहाँ से अमांडा जेट वेलिंगटन जो गाइस हमारी कैप्टन थी, आप अभी भी हमारे चैनल पर जाके टीम देख सकते हो। अमांडा जेट वेलिंगटन हमारी कैप्टन थी, 3 विकेट इन्होंने लिए थे। जॉर्जी एडम्स ने 1 विकेट लिया था, बाकी यहाँ से गाइस कोई विकेट सब विकेट लेस ही गए थे। लेकिन बॉलिंग किसने कैसी कराई, कितनी बॉल्स कराएं, कितने रन कराए, कितने रन लीक करे, ये आप देख सकते हो। फ्रिया कैम गाइस हाईली टैलेंटेड, यहाँ से एनिया शुभशोल भी हाईली टैलेंटेड। लॉरेंट बेल का मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया, ये गाइस अभी लास्ट मंथ सीरीज में बल्क में विकेट्स ले रही थी। लॉरेंट बेल भी गाइस हाईली टैलेंटेड बॉलर है। बात करते हैं इन्होंने बैटिंग से कैसा किया था। तो यहाँ से गाइस देखो स्मृति मंदाना उस दिन 19 पे आउट हो गई थी। हालांकि स्मृति मंदाना चेजिंग के टाइम ही ज़्यादा अच्छा करती हैं, लेकिन उस दिन 19 पे आउट हो गई थी। डैनी वेट गाइस रन आउट हुई थी। सोफिया डंकले 34 अच्छा कर रही थी, जो कॉमनवेल्थ में इनका फॉर्म नहीं आ पाया था। उसके पहले इंग्लैंड सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी हिट थी, तो यहाँ पर इनका फॉर्म वापस आया। 34 रन किए 24 बॉल में। माया बाउचर गाइस अनलकीली 2-0 पे आउट हो रही हैं दो मैच से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के। होपफुली आज के मैच में अच्छा करें। जॉर्जी एडम्स ने यहाँ से 18 किया था। यहाँ से फ्रिया कैम 14 नॉट आउट रही थी और इन्होंने जीत हासिल की थी यहाँ से अपनी 6 विकेट के साथ। तो ये था गाइस लास्ट मैच का परफॉर्मेंस। यहाँ से गाइस हम बात करते हैं कुछ अच्छे आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के पिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन एलिसे कैप्सी, ठीक है। यहाँ से डैन वैन नेयरिक मरीजाना कब खेलती हैं, तो वो सुजी बेट्स एक अच्छी ऑप्शन है। लॉरेंट विनफील्ड को लोग बना देंगे, बिकॉज लोग ऐसे ही करते हैं, लास्ट मैच जो हिट होगा उसको बनाते हैं। यहाँ से गाइस बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की। स्मॉल लीग में तैश फेरेंट को बनाओ, अगर खेलती हैं तो हमारी रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन। शबनम स्माइल को बना सकते हो डिफरेंशियल जाना है तो, ठीक है, अच्छी खासी पिक आपके लिए हो सकती है। ग्रेस गिप्स को बनाओ, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ग्रैंड लीग में पॉइंट्स देंगी। यहाँ से गाइस एमा जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी ज़रूर दें ग्रैंड लीग में। बात करें गाइस यहाँ से मेडी विलर्स को भी देना, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको स्कोर कार्ड देखते हो बताया, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलती है उसमें ओपनिंग ही करती है। सदर्न ब्रीफ की बात करें, यहाँ से गाइस डैनियल वेट को बनाओ। स्मॉल लीग में और कौन मिलेगा, स्मृति मंदाना मिलेंगी, डंगली मिलेगी, ठीक है। यहाँ से गाइस ताइला मैग्रेथ, अभी परसों मैंने किसी की स्टोरी देखी थी, तो ताइला मैग्रेथ फिट एंड फाइन है, आज के मैच में ताइला मैग्रेथ खेल सकती हैं। अमांडा जेट वेलिंगटन को बनाओ, स्मॉल लीग में बना सकते हो। शुभशोल को भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से गाइस और अच्छे ऑप्शन आपको चाहिए ग्रैंड लीग में, लॉरेंट बेल को बनाओ, फ्रिया कैम को बनाओ, टारा नॉरिस को बनाओ। अगर टारा नॉरिस सेकंड बॉल करती है तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये कुछ अच्छे खासे ऑप्शन हैं आपके लिए। यहाँ से गाइस जो वार्डनर को ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल पिक की तरह आप कुछ टीम्स में यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइस कुछ भी पूछना हो इस मैच से रिलेटेड, तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।